लोग कॉलेज तरफ से आए हैं प्रीति के घर, अभी तो मास्क हटा ली है। बाप रे, अरे ये इतना खातिरदारी मत करो, हम लोग को भूख प्यास नहीं लगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी ही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल हम लोग का रेगुलर क्लास चल रहा है, तो मैं आज भी कॉलेज जा रही हूँ। कल भी कॉलेज गई थी पर कल मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी, सारा काम हो गया और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। और अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं कॉलेज ड्रेस पहन चुकी हूँ, तो मैं निकल रही हूँ। फ्रेंड्स, कॉलेज पहुँच चुकी हूँ और लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट से मैं आई थी और आधा क्लास हो चुका था और एक क्लास तो पूरा ही छूट गया, सिर्फ एक क्लास अटेंड की हूँ। और अभी कॉलेज में ही हूँ और पूरा खाली है कॉलेज। संदीप के साथ बैठे हुए हैं तो बुक्स देख रही हूँ, तो क्या क्या खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, मेरे लिए भी ला देगा। मैच कर रहा है और मैच कर रहा है ना सिलेबस से? हाँ ये तो मैच कर रहा है क्या, लेकिन कहाँ से खरीदा है बताना। अभी कबरा बुक्स ना, मेन रोड पर, इतना दूर पहुँच जाएगा। मुझे ये बुक्स खरीदने हैं तो मैं अगले महीने आई थिंक लूँगी। चल, क्या हुआ, तुम ये क्यों लगाई है? वीडियो बना रही है। क्या हुआ पहले बताओ? कुछ नहीं। या क्यों लगाई है? तुम का कोरोना भाग गया 2022 में ना, तो कोरोना भाग गया, आदत हो गया है इसको, आदत हो गया। बता, हमको लगाने का मन ही नहीं करता है, हमको भी अगर लगता है। क्या चेक कर रही है? कुछ नहीं, वही पढ़ाई हो रही है। दो फोटो खींचते हैं तुम्हारा, किताब का ला देगा संदीप मेरे लिए, ला देना ना। जाएंगे तो कितना पैसा लिया था बताओ, हम दे देंगे। मतलब हाँ देंगे तभी तुम लाना, अपना पैसा से नहीं बोलूँगी। अच्छा है किताब। तो संदीप चले कि क्योंकि सेकेंड क्लास नहीं, लेकिन दूसरों का क्लास होगा तो हम लोग को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, इसे तो हम ही लोग का लास्ट क्लास होता है। कोई कॉपी नहीं देंगे क्या? कॉपी ले लो, दो सोनल मैम, सोनल मैम पूनम मान लो। तुम ऑनलाइन क्लास की है ना रे? ऑनलाइन नहीं किए हैं। हाँ कुछ कुछ ऑफलाइन वाला है, बाकी सोनल मैडम का तो ऑनलाइन वाला ही है, थोड़ा बहुत ऑफलाइन प्रीति हमको दी थी, पेट्रोल खर्चा करने के लिए आए हैं हम। क्लास मेरा एक अटेंडेंस नहीं वाला, इसलिए रिग्रेट हो रहा है। ग्रुप में नए अटेंडेंस पहले वाले कॉपी में बनाई है। हाँ उधर लिखा हुआ है एक जगह, सेमेस्टर टू करके कॉपी खत्म नहीं हुआ मेरा तो। अरे सेमेस्टर टू करके लिखा हुआ देखो ना, हम क्लास में करते थे जो कॉपी खत्म होगा, कहीं पर बीच में लिखे हैं एक पेज में। पूरा क्लासरूम खाली है, करे क्या बिल्कुल, लड़के लोग आ रहे हैं। तुम जा रहा है? बाय। चलो हम आ रहे हैं चल के साथ में। फ्रेंड्स, हम लोग कॉलेज तरफ से आए हैं प्रीति के घर, अभी तो मास्क हटा ली है। बाप रे, अरे ये इतना खातिरदारी मत करो, हम लोग को भूख प्यास नहीं लगे। कुछ खा के नहीं आ रहा है। प्रीति हम दोनों के लिए मैगी बना दी थी और जो कि बहुत टेस्टी था, मैं तो बहुत इंजॉय की क्योंकि मेरा तो फेवरेट ही है, पर ये नहीं खा रही थी क्योंकि ये तो सावन की हुई थी तो मैं चिढ़वा रही। खा लो ना रे, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ। प्रीति एकदम मस्त वाला मैगी खिलाई थी एकदम, ये तो खाई ही नहीं, सावन मना रही है क्योंकि अच्छा बार मिले, किधर चली गई, लजा गई आंचल। गाइस निकलते हैं यहाँ से और ये आंचल चली जाएगी अपने घर, इटकी से आती है बहुत दूर से, तो इसको छोड़ देते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से रूम पहुँचने के बाद में। अभी मुझे राइड करना है, एक ही स्कूटी से हम तीनों निकल जाएंगे। मैं प्रीति के घर से अपने रूम वापस आ चुकी हूँ और ड्रेस वगैरह चेंज करके मैं कपड़ा धोने चली गई थी क्योंकि सुबह मैं नहा के ना नहीं धो के गई थी, बाल्टी में रख के गई थी और भी दो चार कपड़े थे, मिला के धो ली कपड़ा और जस्ट अभी आई हूँ पसार की। और अभी मैं फिर से रेडी होने जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट बोले तो नहीं, शालीमार बाजार जा रही हूँ और मॉल मुझे जाना है, वो उधर साइड में एक दीदी है वो बोल रही चलो बोल के, तो मैं जा रही हूँ। हम लोग मॉल आ चुके हैं पर मुझे ज़्यादा खरीदारी नहीं करना था, मैं तो सरसों तेल केवल ली थी, दीदी को लेना था चावल वगैरह तो इसीलिए मैं उसको साथ दे रही थी बस। मार्केटिंग करके घर वापस आ चुके हैं, भींग गए हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, पूरा कपड़ा मेरा भींगा हुआ है। फिर चौक में थे वहाँ हम लोग मोमो खा रहे थे, उसी समय इतना जोर से पानी आया ना कि हम लोग तीनों भींग गए, अभी भी पानी आ ही रहा है और पूरा बाल वगैरह भी ये देख सकते हैं एकदम पूरा कैसे हो गया। तो मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, मैं टमाटर लेके आई हूँ, मिर्चा लेके आई हूँ, ये 1 किलो सरसों तेल, ये आलू, ये केला एंड ये गरम मसाला और ये गुलगुला लेके आई हूँ मेरे लिए खाने के लिए।
ये देख सकते हैं किसको किसको पसंद है गुलगुला। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, पार्सल करवा दूंगी। तो मैं ये गुलगुला खाने जा रही हूँ अभी फिलहाल। तो मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ, तो अभी जा रही हूँ गुलगुला खाने। ये देखिए बाली सिंह जैसे निकल गया। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मुझे डिनर वगैरह करके थोड़ा सा स्टडी भी करना है, नोट नहीं लिखी हूँ क्योंकि आज मैं क्लास लेट से पहुंची थी, तो एक मैम का पूरा ही छूट गया है और दूसरी वाली मैम का भी आधा छूट गया था। तो मुझे थोड़ा लिखना है, आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन।